हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें रश्मिज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको एक रामबाण नुस्खा बता रही हूँ। अगर आप भी खांसी से या फिर नाक की जुलबुलाहट से परेशान हैं तो आज आपकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और सभी लोग खांसी से बहुत ही परेशान हैं। गला दुखता है, गले में भयंकर कफ हो जाते हैं और जो कफ का जो जाला है ना वो निकल नहीं रहा है। तो आप इस रेमेडी का यूज कीजिएगा, बहुत ही जल्द यानी तुरंत आपको फायदा मिलेगा। खांसी कफ बलगम को उखाड़ फेंकेगा। आपको सिर्फ एक बार लेने की जरूरत होगी। एक बार लेने के बाद आपको इतना आराम मिलेगा। मुझे जब जब सर्दी लगती है, जब मुझे गला खराब लगता है, गले में लगता है कि बहुत सारे कफ जाम हो गए हैं, बलगम है छाती के अंदर, तो ये जो है ना बिल्कुल से निकाल फेंकता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है और जल्दी से वापस में जमने नहीं देता है। तो आप इस काढ़े का जरूर घर में प्रयोग कीजिएगा और घर के बाकी लोगों को भी बताइएगा। बहुत ही कारगर काढ़ा है और बहुत ही अच्छा फायदा करता है, बेनिफिट्स करता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे शुगर वाले पेशेंट हो तो भी वो इसे ले सकते हैं। तो कोई भी इंसान हो इस काढ़े का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलिए इस काढ़े को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए ये देखिए काली मिर्च, आप देख सकते हो ये है जगरी यानी गुड़। तो ये दोनों चीजें सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो ये देख सकते हैं आप, एक जो छोटा चम्मच होता है ना हर चाय पत्ती वाला, तो वो एक चम्मच आपको काली मिर्च लेनी है और इसका में दरदरी सी इसको कूट लेना है, ठीक है। और गुड़ को भी हम तोड़ लेंगे, तो गुड़ कितना लेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका एक चौथाई हिस्सा लेंगे हम गुड़ और ये इतनी काली मिर्च, तो कूट करके इसको हम तोड़ करके तैयार करेंगे और इसको हम कूट करके हल्का हल्का दरदरा सा कूट करके तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं इतना सा हमें गुड़ लेना है और ये काली मिर्च को मैंने इस तरह से कूट करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो ये हमें इस तरह से कूट करके तैयार करनी है। एकदम बारीक वाला पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए बिल्कुल से दानेदार है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, गैस पे एक पैन टिकाएंगे, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। तो कोई भी आप कढ़ाई रख सकते हैं, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद ये जो गुड़ है ना, सिर्फ गुड़ गुड़ हमें डालना है। तो ये मैं गुड़ डाल देती हूँ और इसको पिघलने देती हूँ। स्पून की सहायता से गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। अब आपके जो है कितना भी पुराना कफ है ना, तो आप ये जो रेमेडी है, ये जो काढ़ा है ना, ये आपके कफ को उखाड़ फेंकेगा। और ये हमने यूज किया, जब मेरी दादी लोगों को काढ़ा देती थी, ये वाला काढ़ा लेने के लिए बोलती थी, तो दूसरे दिन आकर वो यही बोलते थे कि वास्तव में वो काढ़ा बहुत ही काम कर गया और हमारा तो कफ सारा का सारा ना हट गया। तो देखिए गुड़ जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब ये वाली हम काली मिर्च भी इसके अंदर डाल देंगे जो हमने कूट करके तैयार की थी। अब बस एक मिनट के लिए इसको हमें पकाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिनट के लिए इसको पकाना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। लीजिए कितना फटाफट में आपका काढ़ा तैयार हो गया, ठीक है ना। बस खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और गले को तुरंत साफ करेगा। ये मैं इस काढ़े को एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेती हूँ, और क्योंकि मेरा भी गला बहुत खराब, और जब भी मेरा गला खराब होता है ना तो मैं अपनी दादी की बताई हुई इस नुस्खे का भी यूज करती हूँ, जिससे मेरा गला तुरंत तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस काढ़े को आप रात को सोते समय, सारा खाना खाने के बाद में जब आप सो रहे हो तब आप इस काढ़े को लें। दिन में ये काढ़ा लेने से आपको उतना फायदा नहीं होगा, इतना जल्दी फायदा नहीं होगा जितना आप रात को ले करके सोएंगे। सुबह उठेंगे आपके सारे कफ जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो जरूर आप इसे यूज कीजिएगा, बहुत ही कम चीज़ों से और घर की चीज़ों से बन जाता है। रात में ये प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप एक बार ज़रूर सेवन करके देखिएगा, पुरानी रेमेडी है, पुराना काढ़ा है जो हमारी दादी नानी यूज क्या करती थी, हम लोगों को दिया करती थी, और इससे हमें बहुत ही जल्दी राहत भी मिल जाती थी। वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और जब भी प्रॉब्लम हो इसका यूज कर सकते हैं।